नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य भर में मॉनसून अभी भी सक्रिय है, जिसकी वजह से पिछले दो दिनों से राज्य के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है। बीते दिन राजधानी पटना सहित कई इलाकों में आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन फिर भी उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया, जहाँ अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग पटना द्वारा जारी पूर्वानुमान से आज अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग पटना के अनुसार हिमालय की तलहटी के साथ साथ समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर अभी भी जारी है। हालांकि मॉनसून की ट्रफ रेखा का पूर्वी छोर अब लखनऊ, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, कोटाई और वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी से होकर गुजर रही है। पश्चिम बंगाल तट से दूर बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके प्रभाव से आज उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसका असर बिहार के कुछ इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 30 अगस्त के मौसम का हाल। IMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। वहीं उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी कुछ ही जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले के कुछ जगहों पर आज बारिश का अनुमान है। अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल में आज कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ स्थानों पर आज हल्की बारिश का अनुमान है। वहीं अन्य जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले में आज कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जहां अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।